नमस्कार आदाब जोहार। अभी अभी गढ़वा से लगभग 20 किलोमीटर दूर इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल संपन्न हुआ है और यहां पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से जमशेदपुर ने कब्जा जमाया खिताब के ऊपर, शून्य के मुकाबले 5 गोलों से पराजित किया गोड्डा को। और आज फिर यहां पर जादू चला विकास नायक का, विकास नायक की तरफ से 2 गोल किया गया, उसके बाद साधु मरड्डी ने गोल किया, रंजीत मार्डी ने किया, जावला ने गोल किया। इस तरह से जमशेदपुर की टीम धमाकेदार जीत दर्ज की आज यहां पर गोड्डा के ऊपर। गोड्डा के इमरान अंसारी और विमल मरंडी आज कुछ चल नहीं पाए और इन जो मजबूत दीवार था घनश्याम मुर्मू का, उसको तोड़ नहीं पाए। जमशेदपुर की मजबूत दीवार को तोड़ना आज बहुत मुश्किल रहा, बिल्कुल अभेग लग रहा था, हिमालय पहाड़ की तरह बिल्कुल अडिग हो गए थे आज घनश्याम मुर्मू। तो इस तरह से इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का जो महाकुंभ था, आज फिनाले ग्रैंड फिनाले संपन्न हो गया। जमशेदपुर की टीम नया यहां पर सेहरा बंधा जमशेदपुर के माथे के ऊपर, टीम के माथे के ऊपर गौरव प्राप्त किया चैंपियन होने का। तो इस तरह से झारखंड इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियन जमशेदपुर हुआ। और ये बताते हुए कि आज फुटबॉल का महाकुंभ समाप्त हो गया, जमशेद यहाँ पर गोड्डा को मुँह की खानी पड़ी, गोड्डा के अरमानों के ऊपर पानी फिर गया। आज इमरान अंसारी और सुमित मरंडी, विमल मरंडी का एक भी ना चला। चलिए जो जीता वही सिकंदर। जमशेदपुर की टीम नया चैंपियन झारखंड इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट का उभर कर आई। नमस्कार, थैंक यू।